हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपको रेगुलरली दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको अपडेट देते रहते हैं। आज हम दिल्ली की राजधानी और इंडिया के दिल दिल्ली की बात करने वाले हैं, और दिल्ली का भी जो दिल है वो चांदनी चौक है। सो चांदनी चौक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली चांदनी चौक जो है वो इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा होलसेल और रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पे, और पिछले 300 सालों से यह बाज़ार बढ़ता ही चला जा रहा है। और यहाँ पे नए लोगों के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची है। यहाँ पे गद्दी सिस्टम चलता आ रहा है कि अब दादाजी ने काम किया, फिर पिताजी ने काम किया, पोता वहाँ पे काम कर रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे काम चलता आ रहा है। अगर मैं फुटफॉल की बात करूँ तो 6 लाख लोगों का फुटफॉल डेली चांदनी चौक में है। बहुत सारे टीयर 2 सिटी टीयर 3 सिटी की हम अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 6 लाख लोगों की आबादी भी नहीं होता है, लेकिन चांदनी चौक में 6 लाख लोग पर डे आके अपना सामान खरीद फरोख्त करते हैं। और किसी भी कमर्शियल प्रमाइसेस को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे फुटफॉल कैसी है। बहुत सारे जगह जैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, या फॉर दैट मैटर ग्रेटर नोएडा, उसमें आगे की तरफ हम जाते हैं या मानेसर से आगे की तरफ जाते हैं, तो आइसोलेटेड प्लेसेस में मॉल बना दिए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो मॉल होता है वो खंडर में ही तब्दील हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे उस प्रकार की हैबिटेशन होती नहीं है, फुटफॉल होता नहीं है। दिल्ली में सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली में एक डिमांड वर्सेस सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई के नाम पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग यहाँ पे है नहीं। सो बड़े सारे ब्रांड्स हैं, लाइक तनिष्क हो गया, कल्याण हो गया, या कोई भी बड़े ब्रांड्स हैं, आप देखोगे तो चांदनी चौक में आपको ये ब्रांड्स मिलेंगे नहीं ज्वेलरी के लिए। हालांकि चांदनी चौक जो जाना जाता है वो शादी ब्याह के शॉपिंग के लिए जाना जाता है, और ऐसी दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के शहरों में शायद ही कोई घर हो जिसके घर में शादी हो और वो चांदनी चौक में ना आए। इसके बावजूद, और शादी में जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती है वो गोल्ड की होती है, इसके बावजूद वहाँ पे इस प्रकार की ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग ना होने की वजह से तनिष्क नहीं है, कल्याण नहीं है, मालाबार नहीं है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मॉल लेके हम आ रहे हैं। हम इसमें जो है पार्किंग बना रहे हैं, बेसमेंट्स में हम पार्किंग बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हम आपको रिटेल बना के दे रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रिटेल होगा और सेकंड फ्लोर पे हमारा फूड कोर्ट होगा। सो बेसिकली हमारा ये कॉन्सेप्चुलाइज किया है हमने, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे डिमांड है यहाँ पे कि लोगों को लॉकेबल स्पेस चाहिए। तो ये जो हम लेके आए हैं कम्प्लीटली लॉकेबल स्पेसेस वगैरह होंगे, जहाँ पे आप चाहो तो अपनी खुद की दुकान भी चला सकते हो, अदरवाइज हमारे पास लीजिंग वाली व्यवस्था भी उपलब्ध है कि आप दुकान लेके हमें दे देते हो, हैंडओवर कर देते हो, तो हम किसी ब्रांड के साथ आप उसको टाई अप करा दें। सो कम्प्लीटली सारे के सारे शॉप जो हैं वो होंगे वो लॉकेबल स्पेस होंगे। इसकी अगर प्राइस की मैं बात करता हूँ तो जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा वो 1,40,000 रुपये का है, 10,000 रुपये का अभी इनॉग्रल डिस्काउंट है, तो 10,000 के इनॉग्रल डिस्काउंट के साथ 1,30,000 रुपये का आता है। हमारा फर्स्ट फ्लोर जो है वो 1,10,000 रुपये का है, उसमें 10,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ ये 1,00,000 रुपये का आता है, और सेकंड फ्लोर जहाँ पे कि हम फूड कोर्ट बना रहे हैं वहाँ पे हमारा 85,000 रुपये का रेट है, और उस 85,000 रुपये के रेट में 7,000 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 78,000 रुपये के रेट में हम आपको प्राइस पे यहाँ पे फूड कोर्ट दे रहे हैं, लॉकेबल स्पेस है। अच्छी बात यह है कि सेकेंड फ्लोर पर जो फूड कोर्ट है वहाँ पर 50-50 की लोडिंग है, बाकी जगह आप जाओगे तो फूड कोर्ट में आपको अमूमन 80-20 की लोडिंग आपको मिलेगी। सो अगर मैं फूड कोर्ट की बात करता हूँ तो मिनिमम जो एरिया है हमारे लॉकेबल स्पेस में वो 430 स्क्वायर फीट का एरिया हमारा है। सो उसकी जो प्राइसिंग आती है तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास की इसकी प्राइसिंग आती है, और अभी जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है मात्र 45% आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है, 45% आपको अभी देना है, और 55% जो पैसा आपको देना है वो आपको पोजीशन पे देना है। सो यानी कि मात्र 1.5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आपको 450 स्क्वायर फीट का एरिया चांदनी चौक जैसे इलाके में मिलता है, जहाँ की फुटफॉल इनॉर्मस है। यहाँ पर दिल्ली में कोई होलसेल के लिए आएगा तो उसको चांदनी चौक जाना है, किसी को हेरिटेज देखना है तो उसको चांदनी चौक जाना है,
किसी को मोनूमेंट्स देखने हैं तो उसको चांदनी चौक जाना है, सो यू कैन यू नो, और भीड़ भड़ाका को देख के लोग कई बार उसको पसंद नहीं करते हैं, सो यू कैन हेट चांदनी चौक बट यू कैन नॉट इग्नोर चांदनी चौक। आपके ज़िंदगी में थोड़ी सी चांदनी कहीं ना कहीं ये चांदनी चौक लेके ज़रूर आती है। तो अगर आप भी चांदनी चौक जैसे इस इलाके में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मात्र 1.5 करोड़ रुपये से लॉकेबल स्पेस में, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।